हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवल इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और काफी टाइम से ट्रेंड अप ही है स्टॉक का। यहाँ से स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्स किया था, मतलब कंसोलिडेशन फेज से फिर अप ट्रेंड में आया। और अगर मैं बात करूं तो अभी भी अप ट्रेंड में ही स्टॉक है, अभी कोई संभावना नहीं है। अगर आपने पहले खरीदारी कर रखी है तो फ्रेंड्स अभी इसमें बने रहे। अगर आपने पहले ऑलरेडी ले रखा है तो मैं मानता हूं कि यहां आप लगभग 220 से 30 तक के 220 लेवल तक बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से नीचे आता है 200 रुपए से तो आप इसमें निकल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो आपके लिए ये वाला सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फ्रेंड्स आप इससे बाहर निकल जाए। उसके बाद वेट करें कब स्टॉक यहाँ बाउंस बैक देता है या फिर बाउंस बैक देता है कि नहीं। तो अभी क्या स्थिति स्टॉक में बन रही, एक सपोर्ट ये बन रहा है, ये वाला जो सपोर्ट है स्टॉक उस सपोर्ट के नीचे, यानी कि स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ दिया है। और अभी क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स हो सकता है स्टॉक यहाँ से यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आए 207 रुपए, लगभग 207 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। उसके बाद देन आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिकवरी नहीं मिलती होती है तो फिर इस स्टॉक से दूर रहे, और अगर रिकवरी होती है तो अगर आप छोटे मोटे टारगेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ खरीदारी करके 210 रुपए के आसपास और 230 तक के टारगेट अचीव कर सकते हैं। देन अगर आपको कंफर्म ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉक काफी बढ़ चुका है और अब कुछ दिन स्टॉक यहां से कंसोलिडेशन में रहेगा और उसके बाद देन या तो नीचे आएगा या फिर आपको ब्रेकआउट देगा। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या हैं, तो फिर फ्रेंड्स इसमें एंट्री लेंगे यहाँ पे 210 से अगर बाउंस बैक देता है तो, नहीं तो इससे दूर रहेंगे। और अगर आप लंबे समय के लिए भी पोजिशनल ट्रेडर हैं तो फ्रेंड्स 230 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें एंट्री लें, और फिर आपको सबसे पहला टारगेट जो मिलेगा 260 का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगले टारगेट के बारे में तब बात करेंगे जैसे ही स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो फ्रेंड्स उसके बाद इसमें एंट्री लेंगे। उसी के बाद हम अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर विजिट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। धन्यवाद।